सागर शर्मा जी आ रहे हैं जो अरिजीत सिंह के दोस्त हैं। हाँ जी, बैठो आगे, बैठो आगे, बैठो आगे, बैठो। सागर शर्मा, श्री गंगानगर। ये मकान जगजीत सिंह का मकान था, आखिरी लास्ट। ये वाला सारा? हाँ, ये सारा। अच्छा, ये बिल्कुल लास्ट मकान था उसका। अच्छा, आप कहिए कुछ यहाँ सामने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये जो मकान है जी, ये जगजीत सिंह के पिताजी जब रिटायर हो गए थे गवर्नमेंट नौकरी से जी, तो उन्होंने ये मकान यहाँ बनाया था। ये तो अब तो ये मकान किसी और ने खरीद लिया और इसको तोड़ के अपने स्टाइल से नया बनाया है जी। उस वक्त ये इतना स्टाइलिश नहीं था, सिंपल ही मकान था और लास्ट मकान था ये, जहाँ जगजीत सिंह रहा है, कुछ दिनों रहा है। लेकिन उसके पिताजी और उसका परिवार पूरा इस मकान में करीब 2-3 साल तक रहे जी। जगजीत के बम्बई जाने से पहले और उसके बाद फिर वो लोग शिफ्ट हो गए और ये मकान बेच गए वो लोग। ये लास्ट मकान कौन से सन में बेचा? 64 की बात, 64 में बेचा, अंदाजा 60। लास्ट मकान ये जगजीत सिंह के पिताजी का। ठीक, आज तारीख 27 जुलाई 2014। मेरे मित्र सागर जो बता रहे थे इस मकान के बारे में, हम श्री गंगानगर में खड़े हैं। थैंक यू। और ये चलाना लिखा हुआ था, ये चलाना, चलाना। ठीक, अब हम जगजीत सिंह के उस मकान में जा रहे हैं जहाँ उन्होंने रियाज किया श्री गंगानगर में। लो जी सिंह साहब, समझ चालू है ना जी? जी, ले लो गली। अभी हम जा रहे हैं जहाँ जगजीत सिंह का जन्म हुआ था, उस घर में बहुत ही पुराना घर है। देखते हैं क्या बना हुआ है आज की डेट में। हमारे साथ जी हैं सरदार हरभजन सिंह जी सूरज, जो बहुत ही इंग्लैंड से आए हुए हैं, जो बहुत ही अच्छे गायकार हैं, बड़े बड़े कलाकारों से मिलने का इनको शौक है। ये है जी जगजीत सिंह का जन्म का घर। यहाँ क्या हुआ? जन्म। अच्छा, आप बताइए। हाँ, कर लीजिए। 1941 में जगजीत सिंह के पिता, जब उनकी पोस्टिंग बीकानेर में थी, उस वक्त उनका परिवार इस मकान में किराए पर आकर रहा था और जगजीत का जन्म जो है वो इस मकान में हुआ था जगजीत। और ये सारी बात उसके पिताजी ने हमें बताई थी कि इस लोकेशन में जगजीत का जन्म जो है वो यहाँ हुआ था। आप ये दबाना मेरे को। ठीक है, दबा रखो। क्या अंदर नहीं जा सकते? अंदर अपने क्या करेंगे?
उस कमरे का लें जहाँ जन्म हुआ। अपने को क्या पता, दो तीन कमरे हैं, चार कमरे हैं, उनसे पूछेंगे पता होगा? नहीं, नथिंग, नहीं, किसी को नहीं पता। ये वैसा का वैसा ही, ये किसी को भी नहीं मकान, ये वैसा का वैसा ही है। पता नहीं अंडर अमेंडमेंट भी कर लियो नहीं कर लियो, वैसा तो ये तो क्या होगा? जगजीत को भी नहीं पता कि मेरा जन्म कहाँ हुआ है। बोलो आप, वैसे पूछे देख लें। चलो क्या, वो चलो है, चलो है, चालू है, ऊपर रिकॉर्ड लिखा हुआ है जी, रिकॉर्ड बीच में लिखा हुआ, रिकॉर्ड बुलाना पापा को, एक बार बंद कर देना क्योंकि वो इतराज करना, एक बार बंद कर देना। नमस्कार, थोड़ा सा मकान देखना है, बंधन से आए हैं तो इनको बता देते कि भू हो गया। हाँ जी, राम जी के, हाँ जी, अच्छा बेटे के, हाँ जी, ठीक है। लंदन से आए हैं? लंदन से आए हैं। अच्छा, तो उनके रिश्तेदार हैं बड़े नज़दीकी। अच्छा, तो फिर ये मेरे को लेके आए, मैंने कहा मुझे पता है यही मकान है, दिखा दे करो। अच्छा, जानते हैं भाई साहब जी, जानते हैं, इसमें कुछ आपने चेंज किया है मकान में? क्या वैसे ही वैसा ही है, वैसे की वैसी। अच्छा, तो कौन से कमरे में जन्म हुआ था कुछ पता? इनको नहीं पता, ये वही बताएंगे शायद, ये है पता नहीं, ये बताते थे यही है जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार, सागर शर्मा। अच्छा, तकलीफ दी आपको, ये लंदन से आए हुए थे। अच्छा, जगजीत सिंह के जानकार हैं पुराने, तो बोले जी हम दिखा के लाओ मकान। मैंने अभी दिखा लेता हूँ, चलो। और कितना बड़ा है मकान अपना अंदर से? वैसे वैसे ही है, बस एक ब्राउन्ड है। चप्पल पहने चलो। लाइट जलाओ। आपने इसे चेंज तो नहीं किया मकान? वाह, एक सारा नहीं। क्योंकि हम जब उसके पिताजी से मिलने गए थे ना वहाँ साहिबाबाद दिल्ली के पास, तो हमने पूछा था, बोले यार मैं जगह पता नहीं थे, चूमिए का मकान से, चूमिए का मकान से, झूमिया वाली के थे, वो मकान वही है उनका। उस पत्थर पे लिखा भी है झूमिया वाली बिल्डिंग। अच्छा, है पत्थर लगा हुआ अभी है? पत्थर मतलब दरवाजा, वो हमने शोरूम बनाया। अच्छा, अच्छा, उसमें है। ये कौन से कमरे में जन्म हुआ था कुछ पता? ये भी सब उस टाइम का? नहीं, हाँ सब उस टाइम। अच्छा, पूरी बिल्डिंग ये मालिक है ओरिजिनली। अच्छा अच्छा, ओरिजिनली ये मालिक। शुरू से इनके पिताजी और ये ही रहे इस मकान से। कमाल। अच्छा, तो आपसे किराए पर लिया था उन्होंने? हाँ, उनके फादर से वहाँ से उसमें पीडब्ल्यूडी। अच्छा, तो ये जस्ट ये दिखाई दे रहा है आपको, ये रोशनदान? हाँ, ये मकान होना चाहिए, ये कमरा है, ये कमरा, ये कमरा है। कौन सा वाला? ये वो। हाँ, मैं अंतर दिया हूँ। और ये उधर पीछे सरदार दुकान आ जाती है। हाँ, सरदार जी की दुकान खोल के दिखाएंगे? खोलेंगे, कमरा देख नहीं सकते? हाँ, दिखा देते हैं। ऐसा जी, 1928 में, 1928 में ये गंगनहर आई थी, ठीक। उस वक्त तो ये इन्होंने वो ये बी ब्लॉक, ये ब्लॉक एरिया निजाम ब्लॉक, तो सब एक रुपया भी नहीं मिलता था है यार। तो हमारे जो दादाजी थे जुमेली गांव के, उन्होंने ये 6 प्लाट बोली में लिए। अच्छा, फ्रंट वाला प्लाट तो 3 है, उनका साइज है 74x60, ठीक है। और एक बी ब्लॉक, ये सेंटर में जो आपने फोटो खींची थी, वो 2 बी ब्लॉक, और अपने जहाँ खड़े हैं ये 3 ब्लॉक, ठीक है। इसके जस्ट बैक 74x50, इसकी जस्ट बैक है 20 बी ब्लॉक, ठीक है। जहाँ से आप आए हो वह 22 बी ब्लॉक, ठीक है। और जो
आगे है, नहीं ये 20 जहाँ से आप आए वो 21 बी ब्लॉक, उससे आगे 22 बी ब्लॉक, ये 6 ब्लॉक, इसलिए इसको छकड़ी नाम से मशहूर की है। अच्छा, तो ये 6 ब्लॉक का है, ये पूरा जो है इधर भी सड़क है, चारों तरफ यूं भी सड़क है, यूं भी सड़क है, यूं भी चारों तरफ सड़क है। ये एक ही मकान है जिसकी चार सड़कें लगती हैं। वाह, जरूर एक आपने उनके जगजीत सिंह के पिताजी को देखा ना? जगजीत सिंह हमारे से एक साल सीनियर था गवर्नमेंट कॉलेज में आपसे। जगजीत सिंह एक यहाँ, वो यहाँ तो 2-1 साल का रहा होगा जगजीत। आप मिले जगजीत सिंह? नहीं मिले, बहुत बार मिला, बहुत बार मिले हैं, यूँ तो कल मिलते ही रहते थे कॉलेज में। अच्छा, यहाँ वो दो बापे थे ना भाटिए, उनके दो, हाँ मोहन सिंह, मोनी मोनी थे बढ़िया, हाँ मोनी, उनसे भी वो मिला सर, उनसे भी मैं एक बार मिला था। जगजीत सिंह को मैं एक बार मिला था वहाँ मुंबई में। अच्छा, हाँ मैं था, भानुपाल था, हाँ और गौरीशंकर था। अच्छा, गौरीशंकर, हाँ हम मुंबई, भानुपाल का तो उसने वहाँ भी याद किया, हाँ। अच्छा, यार वो तो, एक तो वकील साहब के अमृतसर भाई होते थे पहलवान, हाँ तो मैंने कहा मम्मी भी बाई चांस वो आगे हजार था, हम पीछे मैं गौरीशंकर घूमने गए थे। अच्छा, तो भानुपाल बढ़िया जगजीत सिंह होना चाहिए, फिर हम जल्दी गए उसको फिल्म मिले, उस वक्त वो स्ट्रगल कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। अच्छा, एक वो जो चाल थी ना, वो चाल क्या कहते हैं उसको, वो चाल ही कहते हैं, चाल चाल खोली, उसने खोलिया, उसने बड़ा सा हॉल था। अच्छा, फिर मैं वो वहाँ लेके गया, उस हॉल में 15-20 चारपाई लगी हुई थी, आज इधर एक अलमारी थी, उसकी एक अलमारी थी। अच्छा, उस टाइम उसका वो दिया करता 10 रुपए रोज। अच्छा, एक अलमारी दे रखी थी, अलमारी में कपड़े रखता था। कौन से सन की बात है ये? 67 या 68 की, 67 या 68 की बात। और क्या लो, ठंडा लो ना, बस कुछ फिनिश लिया, नहीं नहीं कुछ ना 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 कुछ नहीं बढ़ाऊंगा ना बेटा, कुछ मत बोलो। उसने तो 10 रुपए रोज दिया करता, स्ट्रगल किया करता था, फिर उसने कई देर बैठे उसने बताया, उस वक्त उसका ये था कि भाई कोई फंक्शन है, कोई मेरी पार्टी है और मैं उसमें उसका प्रोग्राम हुआ करता था, और उस टाइम से वो उस हिसाब से पैसे लिया। क्या बात, ये सारी बातें उसने हमें। चलो वो कमरा देखे जान के, यहाँ से खोलो बता। अच्छा, आ जाओ। ये सारी छकड़ी के टोटल मकान एक ही साइज के एक हिसाब से बने हैं, यानी फ्रंट से एक नंबर क्वार्टर शुरू होता है। अच्छा, और वापस आकर के 30 नंबर क्वार्टर आ जाता है, उनका जो क्वार्टर था उनके पिताजी जो रहते थे वो 4 नंबर क्वार्टर था, सभी एक हिसाब से एक कमर आगे एक पीछे एक आगे एक पीछे। वो दिखा दो हमें, जन्म का कमरा, वो कमरा वो बाकी नहीं देखे, जन्म का कमरा उसके बनाने के लिए वहाँ फोटो खींचे, आपने भी नहीं देखा ना पहले? कौन सा जन्म का कमरा देखा हुआ आपका? तो सब कुछ देखा हुआ जब तो आपने इसकी फ्रंट की वो फोटो खींची थी, उसको इन दो कमरों की फोटो खींची थी आपने, किसके फोटो खींची? ये बच्चा ये भी खड़ा है साथ। अच्छा, हाँ ये बच्चा साथ, उस हमारा जो अपने वो गेट की फोटो खींचे ना, उसको आप कंप्यूटर में करोगे ना वो, तो उसमें पत्थर लगा हुआ है, उस पत्थर को बड़ा करके देखोगे ना, देखता हूँ आज ही देखता हूँ, अभी होगा उसमें बड़ा करने से सारी वो आपको डिटेल आ जाएगी, वो पत्थर तो आज भी होगा। वैसे वैसे ही पड़े हैं ना, तो ये हमारे दादाजी के भाई हैं जिन्होंने ये सारी चकड़ियाँ बनाई है। अच्छा,
इनसे रजिस्टर किया हुआ है। अच्छा, इसके आप मेरे को भी देना, एक नकल बुला के। ओके, हाँ। उसके ये फोटो किस किस के? ये मेरे दादाजी है, बाकी जी उनके भाई है। अच्छा, क्या चीज, क्या कह रहे हो आप? ये सारी मेरे को भी देना इसकी। नहीं नहीं, उसकी पूरी पूरी फिल्म बना रहे हैं, पूरी फिल्म का वीडियो देंगे आप। ये फोटो बेटा साफ नहीं आ रहा है, पूरी वीडियो बन रही है इसकी। लाइट जला दो, लाइट जला दो बेटा। तेरे उतार के लाना, तेरे उतार के लाए इधर। कनीश उतार के लाए, उतार के लाए। और वो सामने फोटो, ये तो मेरी है बड़ी तेरी। अच्छा, कपड़ा साफ कर ले, कपड़ा साफ कर ले, यहाँ से एक नंबर शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। हाँ, इसके बारे में बताइए। तो लोग मैं किराए का मकान नहीं थे, तो यही एक ऐसी जगह थी जहाँ खूब सारे कमरे थे, मकान थे। आप बताइए, वहाँ उंगल रख के ना, कौन कौन क्या है बेटा, वही रखो। हाँ, का साफ ही नहीं की कोई बात, कोई ना कोई फोटो आ जाएगी इसके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब बताओ। उंगल रख के, ये मेरे दादाजी हैं, सगे सबसे बड़े, हरिदास जी नाम है इनका, हरिदास जी। हाँ जी, ये उनसे छोटे भाई हैं, श्री तुलसीदास जी। ये हैं श्री सेवादास जी, तीसरे नंबर के। और ये सबसे छोटे भाई हैं इनके, श्री टीकमदास जी। ये मकान किस में लिया? ये मकान खरीदा था 1900 किसने? हाँ जी, किसने लिया? ये श्री हरिदास जी ने, हरिदास जी। हाँ जी, आपके दादाजी। हाँ जी, 1932 में ये खरीदा गया, जब इन्होंने नीलामी की थी ब्लॉक एरिया की। तो फ्रंट के जो साइज है वो 444 रुपये का एक प्लाट लिए, 74x60 का एक प्लाट है। आपका शुभ नाम क्या? विजय कुमार। विजय कुमार श्याग, 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 श्याग। ऐसे हम बैरागी श्याग हैं, जाटों में भी होते हैं, जुमियावाड़ी से बिलोंग करते हैं, पंजाब से, और फाल के बीच में जुमियावाड़ी। अच्छा, वाह, और एक और दो तीन भी ब्लॉक तो है। उस वक्त बंदूकें रखते थे, उस वक्त कितने रॉयल होंगे, कितने रॉयल होंगे। इनके पिताजी भी बड़े रॉयल थे जी, बहुत रॉयल थे। पतराम जी मैंने देखे हुए, टेनिस खेलते थे। और क्या बात, ये फोटो भी मेरे ख्याल 100 साल पुराना हो। बिल्कुल, उस वक्त हिंदुस्तान में गिने चुने फोटोग्राफर थे। हाँ, हाँ, तो उमा दत्त एंड सन्स। अच्छा, फोटोग्राफर था एक हिसार में, उसकी खींची हुई, उसकी खींची हुई। यहाँ फोटोग्राफर होंगे नहीं होंगे? नहीं होंगे, ये ना थोड़ा कितनी लेट आए। हाँ, बहुत लेट आए, वो था 100 साल पहले। आज ये फोटो दिखा के कहते भाई, ये उस वक्त के लोग हैं, लोग नहीं आए तो डाकू डाकू है। ये सारा ही पुराना जी, सारे यहाँ से लगे। वही गेट दरवाजे यूं के यूं ही पड़े हुए। ये क्या था उस टाइम? बाथरूम कुछ नहीं, किचन था क्या? कुछ नहीं, खाली था, खाली था। ये तो बाद में बनाया। अच्छा, ये तो खाली था यूं ही सब। अच्छा, आप कितने भाई थे? तीन। तीन आप? सबसे बड़े रमेश दास जी थे, जो एपी भी थे, रिटायर। ठीक है, उससे छोटा मैं। आप? हाँ, हाँ। मैं कई दिन सेल्टी प्रैक्टिस की छोड़ छाड़ दी, पर मेरे से छोटा था रवि चौधरी। रवि, रवि, रवि तो गुजर गया। रवि के बच्चे बच्चे अब वो सरसा वगैरह रहते। अच्छा, सरसा ही चले, सरसा की थी वो। और उनके भाई साहब के, बड़े भाई साहब के बच्चे?
आप बिरागी हो? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ 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 बिरागी हो ठीक। हाँ भानुपाल है वर्मा। अच्छा पढ़े लिखे नहीं होते मकान उनका लिया तो हरिदास जी ने था। इस चकड़ी में कोने के ऊपर एक बहुत चाय की दुकान है। साई की। साई की हाँ। तो साई की दुकान पर वो शाम को दूध पीने आता था लगभग रोज ही समझो। अब तो वो दुकान हट गई। उसने दूसरा उसने काम कर लिया रेडीमेड का। पहले साई का बाप बैठता था। हाँ अब तो पोते बैठते हैं। पोते बैठते बिल्कुल। हाँ वो साई की दुकान पर वो आता था शाम को दूध पीने के लिए। ये एक ही दुकान मुझे और मुझे गोरजू अक्सर भी करा। अब तो दूध का सिस्टम ही नहीं रहा। पहले दूध था। पहले शाम तो रात को एक डेढ़ खुली रहती दुकान। सुबह 12 बजे तक वो सिनेमा वाले आते थे कस्टमर और सुबह फिर 4 बजे आ जाता। बचपन में पढ़ाई कहाँ की उसने? बचपन में पता नहीं गवर्नमेंट कॉलेज में तो हमारे साथ पढ़ाई उसने की। सबसे पहले खालसा स्कूल में। अच्छा खालसा स्कूल जो ये गुरुद्वारे में स्कूल था। पहली पढ़ाई उसने 5वीं तक गुरुद्वारे के स्कूल में की। ठीक है। और 6ठी से फिर वो 6 से लेके और 10वीं तक खालसा स्कूल बड़े में चला। बड़े में। अच्छा बड़े खालसा स्कूल में पढ़ा। वहाँ से पढ़ने के बाद फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज में। साधु सिंह मास्टर था। हाँ साधु सिंह। साधु सिंह सुच्चा सिंह ये प्रिंसिपल होते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस फिर ये गवर्नमेंट कॉलेज में। अच्छा। और गवर्नमेंट कॉलेज में फिर नौरंगजी और ये दोनों साथ। अच्छा अच्छा। नौरंगजी और जगजीत सिंह दोनों साथ रहते थे। दोनों स्टूडेंट थे। अच्छा। जिसमें क्या है कि नौरंग एक क्लास जूनियर था। अच्छा। जगजीत से। जगजीत सीनियर था इससे। अच्छा। तो दोनों में कंपटीशन हुआ। वे बाहर यूथ फेस्टिवल में भेजना है तो कौन जाएगा। तो कंपटीशन हुआ तो कंपटीशन में नौरंग फर्स्ट आया जगजीत सेकंड आया। अच्छा। गाने में क्लासिकल गाने। क्या बिल्कुल। तो जगजीत ने ये कहा जी मेरा तो क्या है कि अब लास्ट साल है। जगजीत फाइनल में था उस वक्त और नौरंग तो अगले साल में चल जाएगा मुझे इस साल भेज दो। तो फिर नौरंग ने कहा चल तुम जा। तो जगजीत गया और जगजीत फर्स्ट आया। नौरंग फिर अगले साल गया फिर नौरंग फर्स्ट। एक बात और बता दूँ अजमेर में और भानुपाल भी एक्स्ट्रा में गए थे। अच्छा उसमें जो फेस्टिवल हुआ था युवराज सिंह जी लेके गए थे। युवराज सिंह जी टीम इंचार्ज होते थे। हम दोनों एक्स्ट्रा में ही गए थे। उस फेस्टिवल में जगजीत सिंह जो गजल गाई थी ना उस गजल के ऊपर उसको बुलबुले राजस्थान का खिताब मिला। अच्छा उसको खिताब मिला हुआ था बुलबुले राजस्थान। बुलबुले राजस्थान अच्छा उस फेस्टिवल में मिला। कब कब की बात है ये? सन ये सन 80 से पहले की है। अच्छा 80 से नहीं ये बहुत भाई सब ये बात है मैं बताऊँगा पुरानी है ना 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 ये बात है 65-66 के आसपास। नहीं बता रहा हूँ एट्टी में बीए में कहाँ थे भाई साहब। 80 में बीए में नहीं दो तीन महीने दो चार महीने बीच में ड्रॉप कर दिया कर दिया और तो भी आप 80 में बीए में नहीं हो सकते। आपको याद नहीं है क्योंकि 65 के बाद तो जगजीत यहाँ रहा ही नहीं। अच्छा 65 पे छोड़ दिया। छोड़ दिया। अच्छा तो जगजीत नौरंग को भी बहुत याद करते थे।
क्या बात है। हमें जो अमृतसर मिले बोले यार नौरंग देखिए यार जो गुजर गए फर्स्ट आया था उसको भूलभुले राजस्थान का किताब वो देखे कमरा है क्या बात है। अच्छा इस गेट से ये क्वार्टर नंबर एक है इन पर नंबर लिखे रहते थे एक दो तीन ये अच्छा, बना अच्छा, सब पर ये बना हुआ ये यहाँ से शुरू किया एक दो तीन और वहाँ पर ये 30 नंबर आ जाता था अच्छा जहाँ वो ये दरकत दिखाई दे हाँ 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 ये एक नंबर आगे से घूम के आओ तो ये 30 नंबर जी और घूम के आइए 3 नंबर एक ऐसे ही नंबर लगे रहते थे अच्छा। ये ऊपर बना ना हाँ वो एक नंबर क्वार्टर ये दो नंबर वो क्वार्टर नंबर एक ये क्वार्टर नंबर दो ये क्वार्टर नंबर तीन ये तीन नंबर अच्छा ये था उनका हाँ ये सारे पीछे दो गुंडे जैसे अपने मकान में ये उनका शेड है ये आगे अच्छा आगे देख लो देख जन्म कहाँ हुआ किस कमरे में इस कमरे में ये दोनों थे उनके पास अच्छा ये दोनों कमरे थे ये जगह थी अच्छा तीन बार अब बोलो राजा जगजीत सिंह पैदा हुआ सुना क्या नाम कभी इस कमरे में नाम नहीं जगजीत सिंह का जन्म हुआ जगजीत सिंह जो गजल गाता है नहीं सुना नाम कहाँ के रहने वाले थे कहाँ के रहने वाले यार दुनिया जानती है उनको मैं बताऊँ जिसके गाने गजल नहीं आते ये वो कमरा है जहाँ जगजीत सिंह का जन्म हुआ था इस कमरे में गजल गायक जगजीत सिंह इसकी फोटो खींचा हुई थी इसकी फोटो हां यार ये तो ये है ना कौन से चैनल पे जगजीत सिंह का जन्म 8 फरवरी 1941 को जैसा कि ज्ञात है हम लोगों को जैसी सूचना है इस कमरे में जगजीत सिंह का जन्म हुआ था और क्योंकि ये कमरा आगे का कमरा ये पूरा पोर्शन जो है वो जगजीत सिंह के पिताजी ने किराए पर ले रखा था और इस कमरे में जगजीत सिंह का जन्म हुआ था ये सारे क्वार्टर ये है 20B ब्लॉक श्रीगंगानगर राजस्थान इंडिया पतराम जी की छिकड़ी ये सारा जो एरिया है पतराम दास जी की छिकड़ी इस एरिया को बोलते हैं और बी ब्लॉक का एरिया है जहाँ इस मकान में इस कमरे में जगजीत सिंह का जन्म 1941 में हुआ
ये ऊपर का लिया अच्छा जी ये छत्ती बताई थी पुराने बिल्डिंग है अच्छा आगे में इतनी पुराने से रहती नहीं जीवन की रहती है तो ये अब क्या आप कौन रहते हैं नहीं आप कौन रहते हैं और तो उधर तो अभी रहते हैं ये क्या रहते हैं आप अच्छा आइसक्रीम खिलाते सब मिठाई अच्छा 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 वाह आजकल यहाँ मिठाई बनती है जी वाह क्या बात मिठाई खिलाओ सबको भाई इस खुशी में हम आए देखो सबको प्रसाद दो सबको तो मिठाई खिला रहे हैं इस खुशी में आप आए हो लंदन से इस खुशी में मिठाई खिला रहे हैं मिठाई खिलाएंगे बैठो सही इस खुशी में हमको जी जगजीत सिंह के जन्म की खुशी की मिठाई हम आज खा रहे हैं सन 1941 में जन्म हुआ इसी मकान में उस उनके डैडी जी को बहुत बधाइयाँ इस मकान में हम आज आए हैं सागर जी मेरे साथ हैं और ये हमारी बड़े फख्र की बात है हमारे लिए हाँ हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि हमें मिठाई खाने को मिली और ये है आपको बहुत बधाई है कि आप इस मकान में रहते हैं ये ऐतिहासिक मकान है सागर जी खा रहे हैं मशहूर दुनिया में ठीक बहुत अच्छा ये दूसरा कमरा दो ही कमरे थे उनके पास ये दो कमरे और भी चले जल्दी है यार मैं तो निकल जाऊं मैं मत गया था आपके घर के रोटी रोटी बनाते हैं ये मेरे पास कितने साल पहले नौकरी की है हम दो हैं 20 साल तो हो गए था जो आगे पहले नौकरी करते थे वकील नहीं ओके ओके सुकाल हम वो मकान ले दिया हाँ देखो हमारे ही फर्क पड़े ना गुस्सा कर दिए आ रहे एक बार ठीक सागर जी सागर जी मेरा फोटो लेना ठीक थैंक यू इस मकान को तो हाँ राजस्थान गवर्नमेंट को लेना थी पैसे देंगे आपको अच्छे बस कितने में देंगे बात ये है जी फ्रंट तो पूरे पहले भी आए थे पूरे हाँ जो भी आते हैं हम लोग भी लेकर आते हैं तो वो हमारे पास आते हैं हम उनको बताएं आप लिया तो हमको बाहर से ही खींच खा के ले जाते हैं पुराने नहीं रहते हैं बिल्कुल घर की बात है बारिश लगनी हाँ चले चलो हाँ जी जी 25 एड्रेस जी 25 सिविल लाइन श्री गंगानगर अच्छा यहाँ क्या किया था जगजीत सिंह का ये वो मकान है
जहाँ जगजीत सिंह का बचपन बीता जी, करीब तीन या चार साल का था जब उसके पिताजी इस मकान में तब्दील हो गए थे जी। और उसके बाद जगजीत सिंह जो है बॉम्बे जाने तक इसी मकान में रहा। वाह। बम्बई जाने तक इसी मकान में रहा जी। और यहीं पे उसकी संगीत की तालीम हुई जी। शुरू की तालीम और उसके बाद की तालीम उस्ताद जमाल खान साहब से जो भी तालीम लेनी थी वो यहीं ली उन्होंने। तो सारी तालीम जो है जगजीत सिंह की इस मकान में हुई। उसका बचपन भी यहाँ बीता और यहाँ से ही वो सीधा बॉम्बे गया, इस मकान से फिर बॉम्बे गया था। अच्छा अच्छा। वाह। कौन रह रहा अभी? अब रह रहे हैं साहब बलवंत रावत, जो पहले रह रहा था शुरू में गणेश जी के भाई साहब रहिए। अच्छा, गणेश चला गया क्या? गणेश चला गया। पहले गणेश था ना? पहले गए उनके भाई होंगे। कुत्ता तो नहीं है? नहीं, पहले था क्या? जगजीत सिंह पहले उसके था कुत्ता है। बस ठीक है ठीक। इधर इधर हो रहा ये जो कमरा है ये जगजीत सिंह का रियाज रूम था। अच्छा। आ जाओ आगे आ जाओ। चलो चलो आगे आओ। ये रियाज रूम टूटा हुआ कैसे है क्या? जिसकी पहले छत थी मकान की। अच्छा। छत थी और ये कनेक्टेड था इस दरवाजे से अंदर घर से। अच्छा। अभी दरवाजा है? हाँ, ये जगजीत सिंह के पिताजी ने अपने प्रभाव से क्योंकि पीडब्ल्यूडी में थे तब ये कमरा बनाया। इस कमरे में जगजीत सिंह का सारी शुरू की म्यूजिक की तालीम जो है इसी कमरे में। ये उसका रियाज रूम था जगजीत सिंह। और दरवाजे यहाँ से? ये दरवाजा बाहर से था, ये दरवाजा घर में जाने का। यहाँ रियाज किया? ये रियाज। ये लो बेटा उनकी दीवारों की। आया जी गीत जी इसको इस हालत में देखा था? कुछ ठीक थी इसकी हालत। अच्छा। सागर शर्मा बेटा मेरे को सारा पता है। बढ़िया पता था। हाँ। क्या कहते हैं उन्होंने वो वैसे ही देखी तोड़ के भाई जा रहे हैं चलो तोड़ लेते हैं। ठीक थैंक यू। अच्छा ये सारा अपने जगजीत से देख के गए ना? हाँ। फिर कुछ ना कुछ नहीं कहा? उस वक्त वैसे बंदी हुई थी। वैसे थी ना कहता हूँ जी का वैसे बंदी हुई थी इसमें नहीं है उसमें रहते। हाँ उसमें थी। उसमें थी तो यार ये मज्जा बनी हुई। अच्छा कहते चलो ये भी सुर होंगे। एक इंग्लैंड में ना सर अपने यहाँ से जगदीश कैंथ भी गए हूँ। किस एरिया में? वहाँ
वो ये मेरे को बस मालूम नहीं है, वो यही गंगा कहीं है। अच्छा आ बेटा अंदर आ, वहाँ तो बहुत है जी, 10 लाख इंडियन है। अच्छा हाँ, 10 लाख इंडियन को कहाँ से ढूंढे? ये भी उस टाइम का। हाँ, यहाँ पे चूल्हा होता था इस जगह। अच्छा यहाँ। अच्छा जिससे बोला इस जगह में बोरी बिछा के बैठता था। अच्छा यहाँ खाना होता और ये अंदर कमरे थे? ये तो कमरे, दो कमरे थे। अच्छा दो कमरे हैं। ये रहते थे अंदर उनका मन डेरी है ना, अंदर का ले लें, ले लो बेटे फोटो ले लेंगे इनको। हाँ लाइट जगा देना वीडियो। आओ बेटा, ये जगजीत सिंह जो है सारी उम्र जो शुरू का बचपन यहीं बीता जी। अरे अरे थोड़ी बेटा लाइट जला। अच्छा आज आप बोले सागर जी, ये जो मकान है जगजीत सिंह 2 या 3 साल का जब था तब इस मकान में उसके पिताजी शिफ्ट हो गए थे, और तब से लेके और बम्बई जाने तक और स्कूल की पढ़ाई, हायर सेकेंडरी की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई तक जगजीत सिंह इस मकान में रहे, पूरा परिवार इस मकान में रहा जगजीत सिंह का। और ये सारा मकान जगजीत सिंह के पिताजी, माता जी, भाई, बहन सब यहाँ रहते थे। आज बैठो एक आ जाएगा बहुत बड़ी। ये रसोई इस टाइम की कमाल है, कुकर आ रहा है जैसे। वाह 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 वाह, ऊंच दराजा, वो सब कुछ ऊंच कमाल है। किचन में वही पुरानी है ये तो बत्ती का तेरे बत्ती रखा है मेरा बच्चा ठीक है। किचन ना स्टोर है ना, स्टोर अब आप यहाँ आप रहते हैं? हाँ जी। हाँ जी इंग रखा लो। हाँ जी आपका नाम बताओ? दिगंबर सिंह रावत। अच्छा और आप बताइए कि यहाँ जगजीत सिंह रहते थे? इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस है G25 सिविल लाइन श्री गंगानगर पैलेस। अच्छा ठीक, थैंक यू मच, इतना ही बहुत है। चलो थैंक यू भाई जी। लो बेटा जगजीत सिंह यहाँ नहाते थे जी बचपन में थे। वाह वाह वाह, क्या बात, आप लकी हो भाई। वर्ल्ड फेमस सिंगर है वो बॉलीवुड का। ये भी सब उसी टाइम का है? उसी टाइम का ये सब? ये क्या था ये क्या? यहाँ पे कुछ नहीं, ये स्पेस पूरा वैसे खाली पड़ा था। ये क्या तोरी वोरी लगी, क्या लगी? हाँ जी बस तोरी लगा रखी है, दाल लगाई हुई है। अच्छा तोरी है कोई सब्जी लगा तो बना लगा इसका? ये तो दिक्कत है जब से बरसात है इतना लगी नहीं रहा। अच्छा तोरी आज सब्जी नहीं बन सकती? अच्छा ये लग रही है अभी, बच्चे बच्चे हैं अभी। हाँ जी वही है ना, अभी हुआ नहीं प्रॉब। वो आ जाएगा क्या बात, आप दो कैसी चीज़ बताइए।
आज रात को नींद नहीं आएगी। था सामने से दिखता था, यहाँ खड़ा होता था आसपास का सब, यहाँ जगजीत सिंह वही हूँ दातम किया करता था खड़ा। अच्छा। यहाँ दीवार पे दातम करता था, हम देखते सामने से कछेरा पहना हुआ होता था। किसको देखते? जगजीत सिंह को कछेरा पहना हुआ था। अच्छा। तो बनियान और नीचे कछेरा होता था। हाँ। और दातम किया करता था खड़ा जगजीत सिंह, यहाँ खड़ा यहाँ। अच्छा। सामने देखते हम घूमते रहते थे खेलते रहते, यहाँ नल होता था पानी का। बाहर नल होता था, घरों में नल नहीं थे, बाहर नल था। अच्छा। वहीं से पानी भरते थे सब लोग। हाँ जी। हाँ क्या बात है, कैसे बात है? सिविल लाइन में खड़े हैं, तू बोल। चलो आओ बेटा। ये वो एरिया है जहाँ जगजीत सिंह ने अपना बचपन बताया है। इनके इनके भाई साहब जो थे वो जी ये कर रहे हैं। अच्छा। ये उनके करता राष्ट्रीय कला मंदिर के हैं वो जगजीत की सी उन्होंने साथी। हाँ। इतने ने प्रैक्टिस वगैरह काफ़ी करती है, वक्त एक्सप्लेन करेंगे सारा कुछ ना। अच्छा। आज हम श्री एस प्रकाश जी के घर के सामने खड़े हैं, तारीख 28 जुलाई 2014, जहां श्री जगजीत सिंह जी रियाज करते थे, प्रैक्टिस करते थे और उनके मित्र मंडली में से एक हैं। तो मेरे साथ हैं श्री विजय चौधरी जी, आप आए हैं, आपने कष्ट किया और ये इनसे मिलवाने के लिए। तो आइए हम अंदर चलते हैं, तो बड़े प्यार से मिलते हैं। एस प्रकाश जी। एस प्रकाश जी, सत श्रीकाल गुरु जी। नमस्कार। आइए आइए बाबू जी, आइए जी, बताइए। जगजीत सिंह जी के रिलेटिव हैं, स्पेशली आपसे मिलने के लिए कहानी कि भाई छकड़ी में जन्म हमारे छकड़ी भी लेके आए। उनके बारे में कुछ और बताइए आप, कब साथ थे, क्या करते थे? ऐसा है, मैं तो काफ़ी टाइम साथ रहा था और वो जगजीत सिंह जी आते रहे। गंगानगर में सबसे ज़्यादा उस बैठे मेरे पास ही थे, मतलब ये लोग एक शादी में गए हुए थे, मैं अकेला था यहाँ पे, तो सारी दुकान उसकी यही करते थे। थोड़ा अभी आ ये तो हमारे बहुत पुरानी बात है। हाँ जी। अच्छा, फिर और कब कौन से सन से आप हो उनके साथ? मैं तो जगजीत सिंह पढ़ता था तब से उस तब मेरे पास आने जाना था। अच्छा। उसके बाद फिर मैं पढ़ने बाहर चला गया। उसके बाद में वो आना जाना तो उसका मेरे पास बना ही रहा। तब यहाँ आता था जब वो जैसे कहा करता राष्ट्रीय कला मंदिर में प्रोग्राम होते रहते थे, उसमें हम उसको सबसे आगे रखते थे। तो बोल रहा है कि मैं एक बार बम्बई पहुंच जाऊँगा तो फिर मैं राष्ट्रीय कला मंदिर में तो चल पाऊँगा। और उसने वो अपनी वायदा पूरा भी किया, फ्री में आया हमारे पास, कुछ लिया नहीं उसने। अच्छा। उन्होंने खर्चा खर्चा दिया। कब आया? काफ़ी टाइम हो गया। ये जगजीत सिंह का प्रोग्राम कब किया था हमने? 18-19 साल हो गए। ये लोग एक शादी में गए हुए थे और शादी में अकेला रहता रहता हूँ। अच्छा। तब पूरी दुकानी उसकी यहाँ मेरे पास ही करते थे। वाह। हारमोनियम यहाँ रखा हुआ था मैंने, कपड़ा के लिए रखा हुआ था। 62 में हम लोग भी शायद बुद्धी की शादी जब हम गए थे, जब यहाँ आप और जगजीत सिंह रहते थे यहाँ, 62 की बात है शायद।
तो बॉम्बे जाने के लिए आपने कहा उसे? नहीं, उसका ये खुद का ही मन था, हमने तो वैसे प्रोत्साहन तो दिया ही उसको, बाकी उसका खुद का मन था कि मैं बॉम्बे। तो राष्ट्रीय वाले में हम प्रोग्राम करते रहते थे ना, और उसे तब वो कहता था एक बार मैं बम्बई पहुँच जाऊँगा तो फिर राष्ट्रीय वाले में भी चल पा रहा प्रोग्राम तय करने गया बम्बई। ऐसे तो दिल्ली उसका प्रोग्राम होता रहता था, तो मैं यहाँ से गंगा नगर से दिल्ली उसका प्रोग्राम सुनने भी चला जाता था, उससे मिल भी आता था। तो ऐसे ही जिक्र किया फिर मैंने उससे, तो हम तो आपके बारे में ही पूछते रहते हैं, जो मुंबई से कई कलाकार थे, एक जैसे योगेश छाबड़ा और भी एक दो थे, तो वो जाते थे, तो उनसे भी मैं पूछता रहता था जगदीश सिंह के बारे में। तो इसका एक प्रोग्राम था, मैं वहाँ यहाँ से उसका प्रोग्राम सुनने चला गया जी, उससे ये जिक्र किया मैंने इस बात के, तो उसने सबसे पहली जो गज़ल वहाँ सुनाई, उसने कह के सुनाई कि मैं ये सामने मेरे बैठे हुए हैं मैंने लड़की हैं और इन्हीं के लिए कर रहा हूँ। गज़ल थी, गज़ल के बोल थे, क्या इनायतें गज़ल की, ये बला की मेहरबानी, मेरी खैरियत भी पूछी तो किसी और की सुनाइए आप कुछ बनवाइए तो। नहीं, मैं मुझे गाना नहीं आता। अच्छा, तो मैं तो वैसे ही मुझे शौक था म्यूजिक का। अच्छा, इसलिए थोड़ा जगजीत सिंह से मेरा उसके पिताजी जगजीत सिंह तो मेरे पास पहले सबसे पहले लेके आए थे कि इसको म्यूजिक सिखाना, अमर सिंह, अमर सिंह जी। तो हमारे पड़ोस में एक सूरदास जी रहते थे, अच्छा, उनके दयाल जी नाम था, तो उनके पास मैं छोड़ के आया था उसको। तो सिर्फ शब्द कीर्तन सिखाना चाहते थे, और मनी हो गया तब उसके पापा तो नाराज हो गए थे। अच्छा भैया, ये तो इसी में लग गया, पढ़ता लिखता ही नहीं। शादी में वहाँ गए थे ना बुड्ढी के, इस कमरे में ही उसकी सारी दुपहरी कटती थी मेरे पास। अच्छा, आपसे वो सीखता वगैरह नहीं था? सीखता नहीं, मैं सिखा तो नहीं था, शौक था। म्यूजिक में उसका बड़ा शौक था शुरू से, लेकिन उसके पिताजी तो ये चाहते थे कि हमारे ये शब्द कीर्तन गाने लगे, और इससे बेहतर उसको फिर शौक लग गया ये, और वो इस लाइन में ही वो उसके पिताजी तो लाठी लेकर के आते जीती आया जी थे। मैंने कहा आया तो वो छुप जाता। अच्छा, यह गया और झूठ बोलना पड़ता था। अच्छा, मैंने कहा आया तो साहब चला गया। ओ तेरा। अच्छा, तो उसके पिताजी तो ये चाहते हैं कि अच्छा आराम से बैठ के दोनों लग जाते थे ना, नहीं तो पिताजी का डर रहता उस टाइम। सरदार था नहीं, हाँ उस समय सरदार जो आपके साथ आ जाता, यहाँ आता था, सरदार था, पगड़ी बांधता था। अच्छा, उसके बाद वहाँ जाकर के उसके बाद बम्बई जाके अच्छा, सबसे ज़्यादा उसकी बैठक मेरे पास ही रहती थी, जब पूरी दोपहर ही यहाँ ये लोग तो गए हुए थे शादी करने, बड़ी बुढ़ी की शादी थी ना जब जब गए हुए, और पूरी दोपहर ही उसकी यहाँ मेरे पास ही कटती थी। उनके भाई थे बुआ जी के लड़के, उनके बेटी की शादी थी। अच्छा, हम सब शादी में चले गए थे यूपी में, और ये अकेले रहे थे। अच्छा, एक उसका सबसे बढ़िया दोस्त जो था वो सरदार मोहन सिंह। अच्छा, उसको मोनी 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 अच्छा मोनी मोनी का सबसे अच्छा दोस्त वो भी, लेकिन उससे आया यहाँ मिला भी नहीं वो। क्यों? उससे खटपट हो रही थी उसकी, और क्योंकि जब मैं उसके पास बम्बई गया ना मेरे बात करने, तो वो बोला कि मैंने कारण का वो भी मोहन सिंह भी कह रहा था आने को, तो मेरा तो अचानक दिल्ली का पड़े काम बन गया। अच्छा, कह रहता था तो मैंने कहा वहाँ से फिर मैंने आया, तो वो एकदम बोला ना मोनी को नहीं तो पता ना कभी। हाँ, अरे मैं क्यों, तो
वो एक बार मैं इंडिया भी गया था दूसरे दिन यहाँ आ गया, उससे पहले कहीं उसका फोन आया रात क्योंकि जगजीत सिंह का है, बोले मतलब प्रोग्राम देने गए तो उसको गाली दे दी, बोले रामजादी तो झूठ बोलती है। अच्छा मोहन सिंह ने इस तरीके से उससे अच्छा तब से उसकी खटपट है और वो यहाँ जब आया मोहन सिंह से मिला भी नहीं। मोहन सिंह ने मिला नहीं दो बार तो आप फिर बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? मैं तो पढ़ रहा था पहले, उस समय तो जल्दी जल्दी अच्छा था, फिर उसके बाद मैं टीचिंग में अच्छा। पूरा नाम किस तरह से आपका बुलाते हैं? पूरा नाम क्या है? मेरा नाम पूरा तो है सुरेंद्र प्रकाश, लेकिन उस नाम से कोई नहीं जानेगा, एस प्रकाश ही जानेगा, एस प्रकाश के नाम से जानेगा। अच्छा आठवीं क्लास में मेरे भी गुरु थे, आठवीं इनसे बड़ा हूँ मैं। अब क्या आपकी एज हो? मेरी एज हो गई 85। अच्छा ईश्वर की कृपा है आपसे तो कई बार मेरी मुलाकात हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार स्टेशन पे भी आप कहीं पब्लिक संगत कहीं करके आ रहे थे। जी जी, मैंने एक्चुअली विशारद भी आपसे ही यहीं पे किया है। हाँ जी विशारद, इन्होंने करवाई है मुझे विशारद तक का सेंटर। अच्छा, सिस्टर ने यहीं से विशारद किया है। संगीत विशारद करके यहाँ बहुत से लोगों को सरकारी नौकरी, बिल्कुल बहुत से लोगों ने जॉब यहाँ की है। अभी तो विशारद वाला अपना सेट हुआ नहीं अभी। हाँ जी बिल्कुल ठीक ठीक है जी, दोबारा से लेना एक बार थोड़ा सा इधर मुद्दा आपका। अच्छा जी, आप कहाँ से? सर इंग्लैंड से हैं ये। जी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं इसे जगजीत सिंह पर। मेरी उन पर रिश्तेदारी बस गुरसिखी के नाते, वो भी सरदार थे, हम भी सरदार हैं, वो भी कीर्तन करते थे, मैं भी कीर्तन करता हूँ, लेकिन उसने फिर बाद में बस यही था। इससे उसके घर वाले भी नाराज रहे, उसके पिता भी नाराज थे। अच्छा एक वो मोहन सिंह उसका सबसे जिगरी दोस्त था और वो रात को पी पी करके कई बार जगजीत सिंह को वहाँ फ़ोन करे। हाँ तो एक आध बार उसने बुरा माना इस बॉम्बे। अच्छा तो उसने जगजीत सिंह ने थोड़ा बुरा माना कि उसकी शादी करनी थी चित्रा चित्रा से, तो वो कहीं जगजीत सिंह गया था प्रोग्राम और चित्रा होगी अभी भी, और तो उसने फोन आया था, उसने कहा कि वो तो प्रोग्राम देने गए हुए हैं, उसको गाली दे के बोला रामजादी तो झूठ बोलती है। अच्छा मोहन सिंह तो जब वो यहाँ आए तो उस आए तो बोले आपके ऐसे ऐसे दोस्त हैं जो इस तरीके से बात करते हैं, तो मिला ही नहीं उससे वो मोहन सिंह। मोहन सिंह तो मेरे से नाराज भी हो गया इस बात पर कि जगजीत सिंह तो लाइव, क्योंकि वो मेरे से बार बार पूछता रहा ठहरने का कहाँ इंतजाम किया है। अच्छा कहाँ किया है? पुलिस वालों को दे रखा था हमने सारा इंतजाम को। अच्छा कभी पुलिस वाले ठहराएंगे उसको, कहाँ ठहराएंगे मुझे नहीं। अच्छा पुलिस वाले हाँ, तो मैंने कहा सारा इंतजाम हमने तो पुलिस को दे रखा है, लेकिन वो तो हमें पता था भी कहाँ ठहरेगा वो। अच्छा लेकिन उसने मेरे को मना कर दिया था कि बताना मत। अच्छा कि मोहन सिंह को तो खास करके मत बताना, मोनी मोनी कहते थे उसको। हाँ मोनी और वामी दो बच्ची है। अच्छा मोहन सिंह और बलियान सिंह, तो मोहन सिंह भी मेरे से फिर नाराज़ हो गया। मैं तो जब निकलता वो जब इधर से ही वो निकलता ना तो ऐसे देखता मेरे को जैसे खा जाएगा, वो आखिर तक पूछता रहा वो काय से आ रहा है, ट्रेन से आ रहा है, किससे आ रहा है। मैंने कहा अभी तो मुझे पता नहीं कि अगर ठहराओगे कहाँ, मैंने कहा अभी तो उसके आने का पता नहीं किससे आ रहा है ठहराएंगे कहाँ, हालांकि पता तो था हमें लेकिन उसने मना कर दिया था जगजीत सिंह ने कि बताना मत मोहन को, इसलिए मैंने नहीं बताया। और मोहन सिंह मेरे से फिर नाराज ही रहा। इस कमरे में बैठते थे आप? नहीं वैसे तो इसमें बैठते थे अच्छा। जब हम शादी में गए थे ना तब अकेले थे। अच्छा ये इसलिए जगजीत वैसे तो इसमें होता था प्रोग्राम तो इनका
जी ये वो रूम है जहाँ जगजीत सिंह जी रियाज प्रैक्टिस किया करते थे, रियाज किया करते थे। ये एस प्रकाश जी का रूम है, एस प्रकाश जी, एस प्रकाश जी अग्रवाल, एस प्रकाश जी अग्रवाल जी, उनके साथ काफ़ी देर, काफ़ी काफ़ी टाइम, घंटों घंटों। हाँ जी, फोटो भी है, फोटो भी है, दिखाओ वो भी, दिखाओ आप। वो मेरी गुड़िया के साथ है जयपुर। हाँ कोई बात नहीं, जयपुर मेरी गुड़िया जेसीआरसी में थी। जी जी, इंजीनियरिंग कर रही थी। अच्छा जी, वहाँ प्रोग्राम किया था। ये बिल क्लिंटन से कौन मिल रहा है? ये मेरा देवर है। अच्छा, ये एयरपोर्ट पे आते रहते हैं ना, एयरपोर्ट पे है मेरा देवर। ठीक है, एयरपोर्ट पे है। हाँ, एयरपोर्ट पे आते हैं ना ये सब लोग। जी एयरपोर्ट पे जी जी ये रूम तब से वैसे ही है ना, ये पुराने पूरा मकान ही वैसे है, पूरा मकान ही वैसे है। 80-85 साल से मकान ही हमारा ऐसा है। अच्छा, कुछ नहीं तब्दील हुआ हमारे मकान में, 85 साल हो गए। 86 आप भी कुछ बताइए उनके बारे में। वो हमारे पापा जी को पता है, हम तो बहुत बाद में आए हैं। आप उनके पुत्र वधू। ठीक है, मैं तो यहाँ पे मैं खुद आता हूँ बहुत। हाँ देखा हुआ है मैंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये माता जी कुछ नहीं बता रहा हमारा जी। 86 साल से पूरा मकान वैसा कर रहा है। ये एस प्रकाश जी का मकान 86 साल से है। ये दादाजी का है, दादाजी बनवाया था। इनका नाम क्या है दादाजी का? श्री अयोध्या प्रसाद जी का। श्री अयोध्या प्रसाद, अयोध्या प्रसाद जी, श्री अयोध्या प्रसाद जी ने ये मकान खुद बनवाया था 86 साल पहले, और आज वैसे का वैसा मजबूत पड़ा है। कोई तब्दीली नहीं है, क्योंकि सर बैठिए, मैं आपको वहाँ से फोन भी करूँगा। ये थोड़ा बच्चे हुआ है बस, तो ये बेड वेड रख दिए। हाँ जी, वो तो चेंजिंग मकान से जब जमीन में गद्दा लगा होता था। अच्छा, उस पे बैठते थे ये दोनों जने। क्या बात है, ये पलंग नहीं थे उसमें। अच्छा जी, जयपुर किया, जयपुर फंक्शन किया था, तो मेरी गुड़िया आ रहा। जी जी, कहाँ बैठे जगजीत सिंह भाई? ये हाँ, ये है ना बीच में। अच्छा,
आपकी गुड़िया की शादी में आए थे? नहीं नहीं, गुड़िया जे सी आर सी में इंजीनियर कर रही थी मेरी। अच्छा, तो वहाँ प्रोग्राम दिया था इन्होंने। अच्छा, ले लो उस कमरे। हाँ जी उधर ठीक है। प्रोग्राम जब दिया ना, मतलब गुड़िया को पहचान के बोले, यहाँ फोन आया कि मैंने ना आपको जयपुर भी पकड़ लिया आपकी पोती के साथ, तो इसको प्यार किया इन्होंने, तो इसने ये अटेंड किया था सारा। जब उनसे मिली तो उसने मेरा नाम जो लिया ना, तो बहुत खुश हुए उससे। वाह, बस 1928 में भी जगह खरीदी थी प्लॉट अलॉट जी, और उसके बाद बनने में लग गए होंगे साल दो साल, तब से हम तो इसी मकान में ही हैं। हाँ, इस गेट की जो कुंडियाँ हैं इसके बारे में आपने कुछ मुझे बताया था, इस ये कुंडियाँ ना इसके बारे में भी आपने कुछ बताया था मुझे, जो लड्डू से आया है ये सब ब्रास की बनी हुई है, ब्रास की है ना, पीतल की है जी। वाह जी, ये सब पीतल का बना हुआ, ये ब्रास जो है 40 किलो बता रहे हैं। 40 किलो का दरवाजा है, दरवाजा ही बहुत जबरदस्त है। क्या आज ये ब्रास है, पीतल है सारा। एक आदमी को मजबूत से वैसे का वैसा मकान बल्ले बल्ले बस एक दीवार बनवा पहले पीछे से लगाएगा, पहले कुंडा से लगाएगा, नंबर उसमें कब्जे में थी, कब्जे नहीं। हां, वो है ऊपर नीचे पड़ी है। अच्छा, निकाल के ले गया, पीतल के थे ना वो, पीतल के थे, इसमें कम से कम 1.5 किलो के होंगे वो। अच्छा, और वो कोई रात में निकाल के ले गया, वो तेरा नाम है उसका, बस चलता दरवाजे ले जाता उठा के। वाह, यूं तो वो वैसे बहुत आपस में जुड़े हुए थे, किसी शिकायत से खींचे होंगे उसने, पता नहीं क्या कैसे कैसे किया, चोरों के पास है बस। अब तो ये कलर किया ना, इस वजह से लोगों को पता नहीं चलता। हाँ, तो ढक दिया ना पीतल नहीं, बिल्कुल नहीं पीतल है ये वाला वाइट, ये ब्रास है। नहीं, रंग तो किया होगा ना, पीतल ये तो रंग किया हुआ है, लेकिन है ब्रास पे। हाँ है ब्रास, हाँ, मैंने उसे छुपाने के लिए किया, लोगों को पता ना चले कि पीतल है। क्यों नहीं, ये भी नीचे भी ब्रास है सारा जी। अच्छा, ये वाला भी ना, पत्थर ही लगा कौन सा नेम प्लेट की पत्थर नहीं की।